ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या ना, ना मेरी बात सुन लो, आपके आप ये लाख दो लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए मतलब मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं हैं, अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात, एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए क्या प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। दो दिन पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इतना शर्मनाक, विचारहीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन और संवेदनहीन बयान दिया कि उस बयान से ना सिर्फ किसान समाज का अपमान हुआ बल्कि पूरे हरियाणा का भी अपमान हुआ, और कृषि मंत्री ने अपनी बातों से हरियाणा के समाज को कलंकित करने का काम किया है, और समय आने पे हरियाणा का समाज, हरियाणा के किसान ऐसे मंत्रियों का हिसाब किताब करेंगे और उनको सबक भी सिखाएंगे। दो दिन पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शहीद किसानों का मजाक उड़ाया और ठहाके लगा के वो हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई ये किसान स्वेच्छा से मरे हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश की एवरेज निकाली जाए तो इतने दिनों में 2 लाख में से इतने किसान तो मरना स्वाभाविक है, और उसके बाद अंत में जब पत्रकार बार बार उनसे पूछते रहे शहीद किसानों के बारे में, तो अंत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन किसानों के लिए वो हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। मेरे भाइयों, अब समझने की बात यह है, कृषि मंत्री को यह समझना चाहिए जेपी दलाल को, कि आप ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल मौत है, ये स्वेच्छा से मरे हैं, आप अपने घर में सर्दियों में हीटर चला के और गर्मियों में एसी चला के कमरों में बैठते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं, और चाय की चुस्की लेके आप लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं, आप यहां पे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पे जहां पे कड़कड़ाती ठंड में पूरी सर्दी हमारे किसान भाइयों ने खुले आसमान के नीचे काट दी, उस सड़क पे काट दी जो बिल्कुल सर्दी के अंदर जो ठिठुरती थी, जो उस पे पूरे तरीके से 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता था, वहां पे उन्होंने पूरी सर्दी काट दी। यदि ये मंत्री एक बार आके, सिर्फ एक रात वहां पे आके काट के देख लें, तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये किसान स्वेच्छा से मरे हैं या फिर कड़कड़ाती ठंड में अपने हकों और अधिकारों के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी है। सारे मंत्रियों को यह पता लग जाएगा। ये मंत्री लोग सिर्फ एसी के बंद कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बार ये यदि जमीन पे आके देख लें तो इनको सब मालूम चल जाएगा, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और इससे भी एक बढ़ के एक बात है, ये बात सिर्फ जेपी दलाल तक सीमित नहीं है, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी संसद के अंदर एक विपक्ष के सांसद के लिए तो आंसू बहा रहे थे, लेकिन अब तक हमारे प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से शहीद किसानों के लिए आंसू नहीं बहाए हैं। अब तक प्रधानमंत्री ने 220 शहीद किसानों के लिए एक भी शब्द शोक और संवेदना के लिए नहीं बोला है। बड़े हैरानी की बात है, ये सभी जो घटनाएं हो रही हैं, भाजपा के लोग जिस तरीके से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इससे एक बड़ा सवाल भाजपा और आरएसएस के लोगों पर खड़ा होता है, इनकी चाल चरित्र पर सवाल खड़ा होता है। 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरा देश उस आंदोलन के साथ था, उस आंदोलन में, उस आजादी की लड़ाई में हमारे हजारों लाखों नौजवानों और किसानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उस समय भी ये लोग, आरएसएस के लोग, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज भी जब देश का किसान समाज देश को बचाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, तो उस समय ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और दूसरी बात यह समझने की है कि इनकी भाषा देखिए, इन मंत्रियों की, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं,
ये कभी किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाते हैं, और अब जेपी दलाल ने उन शहीद किसानों का अपमान कर दिया और कहा कि उनके लिए हार्दिक संवेदनाएं। हार्दिक तो खुशी दी जाती है, लेकिन वो यहां पे कह रहे हैं किसान को अपमानित करने के लिए कि हार्दिक संवेदनाएं। तो इससे इनका चरित्र समझ में आ जाता है, इससे पता लग जाता है कि जेपी दलाल को खुशी हो रही है किसानों की शहादत से। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि एक प्रदेश का कृषि मंत्री अपने किसानों की शहादत पे खुश हो रहा है, और ऐसे लोगों को जिनको भाषा की मर्यादाओं का मालूम नहीं है, जिनको बोलना नहीं आता है, उनको हमने अपने सर पे बैठा रखा है, उनको चुन के विधानसभा में भेज रखा है। यह हमारे समाज की भी गलती है। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो शहीदों का भी सम्मान नहीं करते, जो शहीदों की शहादत पे भी ठहाके लगा के हंसते हैं, ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। और अब देश को भी यह तय करना चाहिए, देश की जनता को यह तय करना चाहिए कि देश की जनता किसके साथ है। एक तरफ वो किसान समाज खड़ा है जो अपना पेट चीर के, जो अपना पेट काट के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। एक तरफ वो किसान समाज खड़ा है जिसके परिवार के ही नौजवान आज सरहदों पर तैनात हैं और देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और तिरंगे में लिपट के हमारे गांव में वापस आते हैं। तो एक तरफ तो ये किसान कौम खड़ी है जो देश की आन बान और शान के लिए अपना हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ ये लोग खड़े हैं बीजेपी आरएसएस वाले जो शहीदों का अपमान करते हैं, जो शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं और शहीदों की शहादत पर ठहाके लगा के हंसते हैं और कहते हैं कि शहीदों के लिए हार्दिक संवेदनाएं। अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि देश की जनता किसान समाज के साथ खड़ी है या इन राजनेताओं के साथ खड़ी है। देश की जनता को यह तय करना होगा कि जो किसान समाज देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जनता उसके साथ खड़ी है या जनता उन राजनेताओं के साथ खड़ी है जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने हवाई जहाज बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेच दी, वो अब किसानों की जमीन बेचना चाहते हैं। तो अब देश की जनता को भी ये तय करना होगा। और एक अंतिम बात, मैं हरियाणा के सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये विनती करता हूं, तो ये बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, ये बेलगाम हो गई है। ये हर तरीके से लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। ये जनता विरोधी हो गई है, ये समाज विरोधी हो गई है, ये बीजेपी जेजेपी की सरकार देश विरोधी हो गई है, हरियाणा विरोधी हो गई है, और किसान विरोधी तो ये है ही है, उससे पहले नौजवान विरोधी भी है ये। अब समय आ गया है इस बीजेपी जेजेपी को सत्ता से बेदखल करने का, इनको सत्ता से बाहर कर देने का, इनको किसानों की असली ताकत दिखाने का। तो मेरा निवेदन यही है, इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को अब बाहर कर दीजिए, यही हमारे हरियाणा के हित में है, यही हरियाणा के पूरे किसान समाज के हित में है। और अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसान एकता मोर्चा, ये किसानों की आवाज है, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक इसकी वीडियोज को शेयर करें। और एक और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो ये जेपी दलाल जिस खाप से ये आते हैं, उस खाप ने कई दिन पहले जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले जेपी दलाल ने किसानों को आतंकवादी बताया था। तो जो इनकी खाप के प्रधान हैं चौधरी भूप सिंह दलाल, उनकी अध्यक्षता में कई दिन पहले टिकरी बॉर्डर पे पंचायत भी हुई थी, और उस पंचायत में जेपी दलाल के सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया था। और आज जिस इलाके से ये जेपी दलाल आते हैं, वहां भी एक बड़ी पंचायत हुई, और उस पंचायत ने भी, इनके इलाके के लोगों ने, खुद इनके इलाके के लोगों ने ऐसे विवेकहीन, बुद्धिहीन और संवेदनहीन कृषि मंत्री जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार करने और हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया है। और हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के किसानों ने इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। जय जवान, जय किसान, जय